दोस्तों आज फाइनली मेरे पास आ चुके हैं पोको का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन पोको F3G की, जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था और फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं। आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्स करने वाला हूँ और उसके साथ साथ एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ। ये स्मार्टफोन आपके लिए कैसा होने वाला है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर बिल देखने को मिलता है और उसके साथ साथ पोको F3G का बॉक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पोको F3G इंडियन नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड, और बैक साइड की तरफ बहुत सारे हाईलाइट फीचर्स वगैरह है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो वीडियो में थोड़े देर के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ इसके अंदर कौन सा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, वो सारे चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए इस बॉक्स को भी ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। यहाँ पर सिंपल ओपन करने के बाद और एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले सिम रजिस्टर पिन देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ मैनुअल गाइड बुक देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर क्या है वो देख लेते हो दोस्तों। यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए टाइप सी टू 3.5 mm हेडफोन जैक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको TPU केस देखने को मिलता है, यूके बैक केस, जिसका क्वालिटी मैं कहूँगी इतना ज़्यादा बेटर भी नहीं है, नॉर्मल सा एक TPU केस देखने को मिलता है। और यह डिवाइस इसको भी साइड में रखता हूँ और देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर आपको 67 W का एडाप्टर देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। 67 W का एडाप्टर आपको इसके देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ आपको या फिर टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाता है। मैं आपको या फिर देखा देता हूँ, या फिर आपको टाइप सी केबल देखने को मिलता है, जिसका क्वालिटी मैं कहूँगी बहुत बेटर है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वालिटी का टाइप सी केबल भी देखने को मिलता है। अगर अपने गेम वगैरह खेलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, चार्जिंग के टाइम अगर अपने गेम वगैरह खेलोगे तो बहुत अच्छा टाइप सी केबल भी देखने को मिलता है। तो सब कुछ साइड में रखता है, चलते हैं डिवाइस की तरफ। सबसे पहले इस रैपर को मैं हटा देता हूँ, और या फिर जो बैक साइड की तरफ स्टिकर वगैरह है इसको भी मैं हटा देता हूँ, या फिर सिंपल मैंने इसको हटा देता हूँ। और या फिर डिजाइन के बारे में सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, मसाला डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो देख सकते हो डिजाइन गेमिंग जो डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, और जो कैमरा का डिजाइन देख सकते हो बहुत प्रीमियम सा डिजाइन आपको बैक साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा, और LED फ्लैश का भी डिजाइन देख सकते हो, बहुत अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड की तरफ जो पोको का ब्रांडिंग भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा पोको का ब्रांडिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। बैक साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, आपका जो हाथों का निशान वगैरह बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा, जो डिजाइन ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे एक स्लाइडर देखने को मिल जाएगा दो साइड में, अगर आपने इसको ऑन करोगे तो दो साइड में जो फिंगर टाइप के देखने को मिल जाएगा, आप इसके माध्यम से गेम इसके जरिए से गेम वगैरह खेल सकते हो, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने स्लाइड कर रहा हूँ, देख सकते हो बाहर निकल आ रहा है, तो बहुत अच्छा लुक देखने को मिल जाएगा। और पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पे सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और उसके साथ साथ सेकेंडरी माइक्रोफोन टाइप से चार्जिंग पोर्ट स्पीकर देखने को मिल जाएगा। इसका डिजाइन देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त डिजाइन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको दो सिम आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, कोई भी मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो दो नैनो सिम आप अपना स्मार्टफोन के अंदर यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ लेफ्ट साइड की तरफ वॉल्यूम अप डाउन बॉटम, और यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे डिजाइन देख सकते हो, साइड में भी जो डिजाइन होने वाला है दोस्तों काफी बढ़िया सा प्रीमियम सा डिजाइन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन, आयर ब्लास्टर, और उसके साथ साथ और एक स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे दो स्पीकर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ इसका वेट भी देख सकते हो, 207 ग्राम इसका वेट भी देखने को मिल जाएगा। और मैं हाथों में जब यूज किया था मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया था, जो डिजाइन मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा दोस्तों। डिजाइन के बारे में मैं आप लोग को क्या बताऊँ दोस्तों, डिजाइन ऑब्वियसली बहुत अच्छा होने वाला है। और डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.67 इंच का फुल HD+ रेजुलेशन का एमुलेट डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो होने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, क्योंकि मिडिल में आपको या फिर छोटा सा 5 वोल्ट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसका बेजल नीचे जो चेन आप देख सकते हो काफी छोटा देखने को मिल जाएगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा, मैंने जब स्मार्टफोन को स्वाइप कर रहा हूँ देख सकते हो काफी फास्ट यहाँ पे जो टच हो रहा है, काफी फास्ट यहाँ पे टच सैंपल भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि
1.8 रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, एजिगेट 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ फोन से की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें तो या फिर इसका डिस्प्ले का वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पंची कलर प्रोवाइड कर रहा है, एजिगेट 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो साइड में बेजल्स नीचे काफ़ी छोटा देखने को मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिल रहा है काफ़ी बढ़िया सा। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मीडियाटेक डायमंड्स के 1200 चिपसेट देखने को मिल जाएगा और इसका अंतुतु स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी पावरफुल अंतुतु स्कोर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और मैंने इसके अंदर बिजी EMI गेम को खेल चुका हूँ, क्योंकि पबजी गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत सारे गेम ट्राई कर चुका हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला। लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी इसका डिटेल BGMI गेम का केस आने वाला है, उसके लिए भी आप जरूर इंतजार कर सकते हो। जो परफॉर्मेंस होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा और 12 5G सिम आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स इसका परफॉर्मेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मैंने जब गेम खेला था उससे क्या देखने को मिला था। और एक चीज़ आप लोग को कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। दोस्तों बहुत इंतज़ार के बाद मैं आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 6GB रैम और यहाँ पे जो ऐप्स ओपनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। मैंने जो सारे ऐप्स को ओपन किया था बहुत जल्दी जल्दी ऐप्स को ओपन कर पा रहा था, जो ऐप्स ओपनिंग वगैरह आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और उसके साथ साथ मैंने जब रैम मैनेजमेंट चेक किया था सारे के सारे ऐप्स रैम के अंदर था, जो सारे ऐप्स को मैंने ट्राई कर चुका हूँ सारे के सारे ऐप्स रैम के अंदर था। आप समझ सकते हो 6GB रैम देखने को मिल जाएगा, रैम मैनेजमेंट तो बेटर होना चाहिए। और पोको का भी स्मार्टफोन बेटर आपको रैम मैनेजमेंट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और ये स्मार्टफोन आने वाले एंड्रॉयड 11 के साथ और उसके साथ साथ पोको का लॉन्चर भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ MIUI 12 का अपडेट भी आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका बैटरी के बारे में बात करें तो 5065 mAh का काफ़ी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगा, टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। आप समझ सकते हो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा और बहुत कम टाइम के अंदर आप अपना स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर सकते हो। और बहुत जल्दी इसका बैटरी चार्जिंग केस आने वाला है बहुत सारे स्मार्टफोन के साथ, उसके लिए भी आप जरूर इंतजार कर सकते हो। और बैटरी डेंटेस भी आने वाला है उसके लिए इंतजार कर सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करें तो बहुत फास्ट या फिर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। मैंने या फिर सिंपल टैप करो ओपन हो रहा है देख सकते हो, काफ़ी फास्ट या फिर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और फेस अनलॉक भी देख सकते हो काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाएगा। मैंने या फिर सिंपल टैप करूँ ओपन हो रहा है बहुत फास्ट या फिर फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद चलिए कैमरा की तरफ, बैक साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा, जो 64 MP का मेन सेंसर और उसके साथ साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा और 2 MP का आपको या फिर डेप्थ सेंसर लेंस भी देखने को मिल जाएगा। और सेल्फी के अंदर 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ कैमरा का पिक्सल क्वालिटी दिखा देता हूँ, जो बैक कैमरा का सिंपल पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो और उसके साथ साथ प्रोटेक्ट पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो। मैंने बहुत सारे सिचुएशन के साथ पिक्चर खींचा हो जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। जो बैक साइड की तरफ जो कैमरा होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा और बैक साइड की तरफ आप यहाँ पे जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग शूट भी कर सकते हो और वहाँ पे DSLR वीडियो भी शूट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा। और सेल्फी कैमरा की पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो ठीक ठाक लगा मुझे, इतना भी बेटर नहीं है दोस्तों, नॉर्मल सा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन होने वाला है गेमिंग के लिए किलर स्मार्टफोन, या फिर जो कैमरा क्वालिटी इतना भी बेटर नहीं देखने को मिल जाएगा सेल्फी के अंदर, जो सारे पिक्चर क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हो इतना भी बेटर कैमरा आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात कर जाए कंक्लूजन पार्ट के बारे में, स्मार्टफोन दोस्तों 6GB 128GB जो इंडिया में लॉन्च हुआ है 27,000 rupees के अंदर, तो इसी प्राइस के अंदर देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल डिवाइस है दोस्तों। जो डिजाइन वगैरह, डिस्प्ले का जो वीडियो सैम्पल वगैरह देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा लगा। ऐसे भी दोस्तों इसके अंदर जो परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। तो अभी के टाइम देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया सा स्मार्टफोन होने वाला है, लेकिन दोस्तों कुछ टाइम यूज़ करने दीजिए, उसके बाद फुल रिव्यू में मैं आप लोग के साथ डिटेल शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अगली न्यू फर्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड।